पीजी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 116 पूछा है, इन्हें पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, हेमोग्लोबिन फॉल्स फ्रॉम 11 ग्राम परसेंट टू 4 ग्राम परसेंट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड स्प्लेनोमेगली ऑकर्स, द कॉज कुड बी। तो सी एम एल पेशेंट हेमोग्लोबिन फॉल्स फ्रॉम 11 ग्राम परसेंट टू 4 ग्राम परसेंट, ठीक है ना, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक्यूटली ठीक है ना, एंड स्प्लेनोमेगली इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो कॉज क्या है इसकी। ऑप्शन वन, एक्सिलरेटेड सी एम एल। ऑप्शन टू, सी एम एल इन ब्लास्ट क्राइसिस। ऑप्शन थ्री, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस। एंड ऑप्शन फोर, माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, CML पेशेंट हेमोग्लोबिन फॉलिंग फ्रॉम 11 टू 4 ग्राम परसेंट एक्यूटली, स्प्लेनोमेगाली इज प्रेजेंट, कॉज इज एक्सेटेड CML इन ब्लास्ट क्राइसिस, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस एंड माइलोफाइब्रोसिस, एंड द राइट आंसर इज ए एंड बी, दैट इज एक्सेलेटेड CML एंड CML इन ब्लास्ट क्राइसिस, एक्सेलेटेड CML एंड CML इन ब्लास्ट क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन 117, ट्रू अबाउट लेगियोनेला न्यूमोफाइला आर। तो ट्रू अबाउट लेगियोनेला न्यूमोफाइला क्या होती है। ट्रू अबाउट लेगियोनेला न्यूमोफाइला, ऑप्शन वन, occurs in epidemics. ऑप्शन टू, treated with penicillin. ऑप्शन थ्री, associated with splenomegaly. ऑप्शन फोर, diagnosis from sputum. एंड ऑप्शन फाइव, more common in children. फिर से देखिए क्वेश्चन, ट्रू अबाउट लेगियोनेला न्यूमोफाइला, ऑकर इन एपिडेमिक, ट्रीटमेंट इज पेनिसिलिन, एसोसिएटेड स्प्लेनोमेगाली, डायग्नोस फ्रॉम स्पुटम, या मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन, एंड द राइट आंसर इज ए एंड डी, दैट इज ऑकर इन एपिडेमिक्स एंड डायग्नोस फ्रॉम स्पुटम, लेगियोनेला न्यूमोफाइला ऑकर्स इन एपिडेमिक्स एंड डायग्नोस फ्रॉम स्पुटम। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, ट्रांजुडेटिव प्लूरल एफ्यूशन इज सीन इन। ऑप्शन वन, नेफ्रोटिक सिंड्रम। ऑप्शन टू, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑप्शन थ्री, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ऑप्शन फोर मिक्स एडेमा। एंड ऑप्शन फाइव, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर से देखिए, ट्रांसमिटेड प्लूरल डेफिशिएंसी सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मिक्स एडेमा, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड द राइट आंसर इज ए सी डी एन ई, दैट इज ट्रांसमिटेड प्लूरल डेफिशिएंसी ऑकर्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रम, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मिक्स एडेमा एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 119, अनका इज फाउंड इन, अनका इज सीन इन, अनका इज सीन इन, ऑप्शन वन वेगिनर ग्रैनुलोमेटोसिस, ऑप्शन वन वेगिनर ग्रैनुलोमेटोसिस, ऑप्शन टू शग स्ट्रॉस डिजीज, ऑप्शन थ्री माइक्रोस्कोपिक पैन, ऑप्शन फोर टाकायाशु आर्टेराइटिस, ऑप्शन फाइव एस एल ई। फिर से देखिए, अनकाई सीनिन, वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, शक्स्ट्रॉस डिजीज, माइक्रोस्कोपिक पैन, टाकायाशु या फिर एस एल ई, एंड द राइट ऑप्शन, राइट आंसर सर ए बी सी एंड ई। ठीक है ना, अनका इज सीनिन, वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, शक्स्ट्रॉस सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस एंड एस एल ई। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, हाइपोकैलेमिया इज सीन विथ, ऑप्शन वन फ्रूसेमाइड, ऑप्शन टू कॉर्टिसोल, ऑप्शन थ्री मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन फोर एमिलोराइड, ऑप्शन फाइव एडिसन डिजीज। फिर देखिए, हाइपोकैलेमिया सीन विथ फ्रूसेमाइड, कॉर्टिसोल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एमिलोराइड या एडिसन डिजीज, एंड द राइट आंसर इज ए एंड बी, दैट इज हाइपोकैलेमिया सीन विथ फ्रूसेमाइड एंड कॉर्टिसोल, क्वेश्चन 121, इन डिसमेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन फाइंडिंग्स आर, तो फाइंडिंग्स इन डी आई सी, ऑप्शन वन इंक्रीज पी टी, ऑप्शन टू इंक्रीज बी टी, ऑप्शन थ्री डिक्रीज फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ऑप्शन 4 नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, या नंबर 5 डिक्रीज फाइब्रिनोजेन। फिर से देखिए, फाइंडिंग्स इन डीआईसी, इंक्रीज पीटी, डिक्रीज FDP, फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट या डिक्रीज फाइब्रिनोजन, एंड द राइट आंसर इज ए बी एंड ई, दैट इज इन डीआईसी दैट इज इंक्रीज पीटी एंड डिक्रीज फाइब्रिनोजन, इन डीआईसी दैट इज इंक्रीज पीटी एंड डिक्रीज फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, हाइपरफॉस्फेटेमिया विथ हाइपोकैल्शेमिया इज सीन इन, ऑप्शन 1 क्रॉनिक रेनल फेलियर, ऑप्शन 2 सीडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन 3 ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन 4 विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, या ऑप्शन 5 सार्कोइडोसिस। फिर से देखिए, हाइपरफॉस्फेटेमिया विथ हाइपोकैल्शियम इज सीन इन, क्रॉनिक रेनल फेलियर, स्यूडो हाइपोपैराथायरिज्म, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन या सार्कोइडोसिस, एंड द राइट आंसर इज ए बी एंड सी, दैट इज हाइपरफॉस्फेटेमिया विथ हाइपोकैल्शियम सीन इन, क्रॉनिक रेनल फेलियर, स्यूडो हाइपोपैराथायरिज्म एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, हाइपरफॉस्फेटेमिया विथ हाइपोकैल्शियम सीन इन, क्रॉनिक रेनल फेलियर, स्यूडो हाइपोपैराथायरिज्म एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, रिगार्डिंग वाइपोमा ट्रू इज, तो ट्रू अबाउट वी आई पी ओमा,
ऑप्शन वन वाटरी डायरिया, ऑप्शन वन वाटरी डायरिया, ऑप्शन टू हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ऑप्शन थ्री फ्लशिंग, फ्लशिंग, ऑप्शन फोर हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, या ऑप्शन फाइव हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। इस देखिए ट्रू अबाउट वीआईपी ओमा, वाटरी डायरिया, हाइपोक्लोराइड्रिया, फ्लशिंग, हाइपरकैलेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया। एंड द राइट आंसर इज ए बी सी एंड ई। दैट इज वीआईपी ओमा में वाटरी डायरिया होती है, हाइपोक्लोराइड्रिया होती है, फ्लशिंग होती है एंड हाइपरग्लाइसेमिया हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 124, डेज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर सीन इन, इंक्रीज्ड कैल्शियम एंड इंक्रीज फॉस्फोरस, इंक्रीज फॉस्फेट, इंक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज फॉस्फेट इज सीन इन, इज सीन इन। ऑप्शन वन क्रॉनिक रेनल फेलियर, क्रॉनिक रेनल फेलियर, ऑप्शन टू विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन थ्री हाइपरपैराथायरायडिज्म, हाइपरपैराथायरायडिज्म, ऑप्शन फोर स्यूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म, स्यूडो हाइपरपैराथायरायडिज्म। फिर से देखिए, इंक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज फॉस्फेट इज सीन इन क्रॉनिक रेनल फेलियर, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, हाइपरपैराथायरायडिज्म या स्यूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म। एंड द राइट आंसर इज विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन इज सीन इन, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन इज सीन इन, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन सीन इन। ऑप्शन वन पैनक्रियाटाइटिस, ऑप्शन वन पैनक्रियाटाइटिस, ऑप्शन टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन थ्री हाइपोप्रोटीनेमिया, ऑप्शन थ्री हाइपोप्रोटीनेमिया, ऑप्शन फोर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ऑप्शन फोर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ऑप्शन फाइव ईसोफेजियल रप्चर, ऑप्शन फाइव ईसोफेजियल रप्चर। देखिए, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन सीन इन पैनक्रियाटाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोप्रोटीनेमिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ईसोफेजियल रप्चर। एंड द राइट आंसर इज ए एंड ई। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन सीन इन पैनक्रियाटाइटिस एंड ईसोफेजियल रप्चर, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन सीन इन पैनक्रियाटाइटिस एंड ईसोफेजियल रप्चर। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, क्वेश्चन 126, एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज आर, एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी आर, एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी आर, ऑप्शन वन कापोसी सार्कोमा, ऑप्शन वन कापोसी सार्कोमा, ऑप्शन टू ब्रोंकोजेनिक कैंसर, ऑप्शन टू ब्रोंकोजेनिक कैंसर, ऑप्शन थ्री ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन थ्री ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन फोर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऑप्शन फोर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऑप्शन फाइव इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन फाइव इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। देखिए, एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी आर कापोजी सार्कोमा, ब्रोंकोजेनिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा या फिर इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। एंड द राइट आंसर इज ए डी एंड ई। एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी आर कापोजी सार्कोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एंड इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। एड्स एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी आर कापोजी सार्कोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एंड इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। आज के लिए इतने, थैंक यू।